प्रवीण पांडे, प्रभाकर पटेल एजुकेशन सोसाइटी की माध्यमिक शाला अलीबाग में स्थित इस संस्था में मैं अध्यापिका का काम करती हूँ। मैं 6th स्टैंडर्ड को साइंस पढ़ाती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पेड़ पौधों की भाग, अर्थात पार्ट्स ऑफ प्लांट। हम हमारे आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। सभी की संरचना हम देखते हैं तभी हमें समझ में आता है कि सभी पार्ट्स पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी की संरचना एक जैसी होती है। पेड़ पौधे हम सभी को पसंद है, वे फल फूल आदि हमें पहुंचाते हैं। बच्चों, हमें पेड़ पौधे बहुत काम आते हैं और उसकी उपयोगिता जानते हुए आज हम उनको पेड़ पौधों के बाद जानना चाहेंगे। इसके लिए हम इस परिचय के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि पेड़ों की उपयोगिता क्या है, पेड़ पौधों की संरचना क्या होती है, कैसे होती है, पेड़ पौधों के विभिन्न भाग कौन से होते हैं, उनका कार्य कौन सा होता है। इसके माध्यम से बच्चों तक, पेड़ पौधों के भाग तक हम बच्चों को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम क्या कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, तो ग्रुप की एक पांच बच्चों का एक एक ग्रुप, ऐसे पांच ग्रुप हम तैयार कर सकते हैं। हर एक ग्रुप को हम पेड़ पौधे का एक एक भाग बांट देंगे, उनको डायग्राम निकालने के लिए कहेंगे तथा उनके कार्य भी उनको लिखने के लिए कहेंगे। जब उनका ये एक्टिविटी पूरी हो जाए तो सामूहिक वार्तालाप के द्वारा, चर्चा के माध्यम से हम बच्चों को जो लिखा हुआ है वो पढ़ने के लिए कहेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को पता चलेगा कि पेड़ का जो निचला हिस्सा होता है, जड़ का, वो जमीन में से पानी और पोषक तत्व खींच लेता है। ये खींचा हुआ पोषक तत्व तना के द्वारा पेड़ के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। पत्ता खाना बनाने का यानी रसोई घर का काम करता है। इस बना बनाया खाना तना के द्वारा सभी पेड़ के पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। इस तरह कार्य हम विस्तार से वार्तालाप के द्वारा जान सकते हैं। इस मेथड के द्वारा हम बच्चों से क्या उनको देख पाए या मूल्यमापन हम क्या कर पाए, तो बच्चे पहले से ही पेड़ पौधों को जानते थे और जानते हैं, सिर्फ उनकी संरचना कैसी होती है ये हमने उनको बताया। पेड़ों की संरचना दो भागों में बटी होती है, जमीन के नीचे का भाग होता है जड़, जमीन का ऊपरी भाग जो होता है उसे शूट कहलाते हैं, जिसमें तना फल फूल और पत्ते होते हैं। पेड़ की जड़, तना, पत्ते, फूल फल आदि विभिन्न भाग होते हैं। इस विभिन्न भाग के कार्य भी हम सामूहिक वार्तालाप से बच्चों से अच्छे से करवा सकते हैं और इस टॉपिक को हम इस माध्यम से बहुत इजी मेथड से समझा सकते हैं। नमस्कार।